हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो मैसेज है ये उन स्टूडेंट के लिए जो बच्चे 12th क्लास में किसी वजह से फेल हो गए। जैसे कल रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, उनमें 12th क्लास से कुछ बच्चे या 10th क्लास से कुछ बच्चे थे, किसी वजह से फेल हो गए हैं। तो उसके लिए एक न्यूज़ है, नोटिफिकेशन भी आया है कि यूपी बोर्ड की तरफ से। नोटिफिकेशन ये है कि देखिए, जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल हैं वो बेटा बैक डाल सकते हैं। यानी कि स्कूटनी का फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म को भरिएगा, भरने के बाद उसका एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बाद रिसेंटली जल्दी में ही कोई एक डेट आ जाएगी, उसमें कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम होने के बाद ये पता पड़ जाएगा कि आप पेपर देने के बाद पास हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ओके, उस पेपर का पैटर्न बता दो, पेपर कैसे कैसे आने वाला, कहाँ पेपर होगा, कैसे कैसे होगा। पेपर होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम राजकीय स्कूलों में होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं पेपर राजकीय स्कूलों में होते हैं। और इनमें जो पेपर का पैटर्न रहता है, पेपर कहाँ से आता है, सिलेबस क्या होता है, इसमें पेपर का सिलेबस बिल्कुल सेम बोर्ड का पैटर्न रहता है। मतलब जिस पैटर्न में आपने एग्ज़ाम दिया उसी पैटर्न में पेपर बन के आएगा और उस पेपर को आपको दे दिया जाएगा। उस पेपर को आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यदि आप पास हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप 12th पास आउट हो जाएंगे इस साल में। अदरवाइज यदि कोई बच्चा दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो रहा है तो फिर बेटा उसको, यानी कि उसकी रीबैक लग जाएगी। रीबैक मतलब उसको कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। ओके, तो जो बच्चे दो सब्जेक्टों में फेल हैं उनके पास एक चांस है अभी भी, कि मुझे लगता है कि एक या सवा महीने के अंदर वो एग्ज़ाम करा लेंगे। स्क्रूटनी के फॉर्म वगैरह मुझे लगता है साइड पे ओपन हो गए, फॉर्म भरवा लीजिएगा। वो फॉर्म सिर्फ दो सब्जेक्टों के लिए है बेटा, ये भी आपको पहले ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे दो या तीन में फेल हो रहे हैं, तीन में फेल हो रहे हैं, चार में फेल हो रहे हैं, वो भी भरे, नहीं नहीं दो से ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे को तो री एग्ज़ाम देने ही देने होंगे। कंप्लीटली ईयर अपनी ईयर बैक देनी होगी आपको, ठीक। और जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं वो क्या काम करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप अपने तैयारी में लग जाइएगा। अभी आपके पास, उन बच्चों के पास अभी मुझे लगता है समथिंग एक से डेढ़ महीने के आसपास बचा हुआ है, लगभग एक महीना तो आपके पास बचा हुआ ही है। ओके, जो आपके पास टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिएगा अच्छी तरह से। फॉर्म भरो, अपने कनेक्टेड टीचर है, कॉन्टैक्ट कोई भी टीचर है आपके पास, उनसे आप बात कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाइएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर का पैटर्न जो होगा वो यूपी बोर्ड के ही भी आप पे आएगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई और दूसरा पैटर्न है, कोई दूसरा पैटर्न नहीं है इसका। ओके, और मुझे लगता है कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा कह नहीं सकते कि इस बार के पेपर कैसे बन गए। यदि मैं बात करूँ तो बेटा प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे मैं हम बात करें तो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बोर्ड को पता होता है कि जो बच्चा इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको मतलब पास कराने के लिए थोड़ा तो ईजी देना पड़ेगा पैटर्न उसको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपनी मेहनत में लग जाइएगा। जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल हैं, दो से ज़्यादा में जो फेल बच्चे हैं, वो बच्चे क्या काम करेंगे, अपने ईयरली बैक वगैरह की तैयारी में लग जाइएगा बेटा, क्लियर। अब वो ये ना सोचे कि हम फेल हो गए हैं तो हम दोबारा तैयार नहीं करें, मैं ऐसी बात नहीं है बेटा। एक बात हो रहा है ज़िंदगी में, यदि आपको लॉन्ग या लंबी जंप ज़्यादा ही मारनी है तो बेटा एक बात ध्यान रखें, थोड़ा बहुत तो फेल हो तो कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। इंसान जब तक फेल नहीं हो सकता तब तक वो अपने आप से नहीं आ जाएगा। जिस दिन आप अपने आप से आ जाएंगे उस दिन आप फेल हैं। अदरवाइज दुनिया क्या कहते हैं, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। दुनिया का तो काम है बेटा कहना कि ये फेल हो गया, कम नंबर आ गए, ज़्यादा नंबर आ गए। दुनिया से मतलब नहीं कि खर्चे दुनिया को थोड़े चलाने हैं अपने घर, हमारे घर के वो तो हमें चलाने हैं ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत में लगे रहिएगा। आपके पास एक गोल्डन चांस है, जो बच्चे एक सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट में फेल है। ओके, जिसको लग रहा है कि नंबर कम आ रहे हैं मेरे, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, तो मुझे लगता है कि यानी कि एक नोटिफिकेशन वगैरह भी आया कुछ, मैंने देखा न्यूज़ पर देख रहा था अभी, तो उसमें यह बताया गया है कि फॉर्म वगैरह फिल होगा, फिर फॉर्म फिल होने के बाद आपकी कॉपी आपको दिखाई जा सकती है वहाँ पर। अभी जो मैंने न्यूज़ देख रहा था उसमें बताया गया था कि यदि बाय द वे किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरे नंबर कम है तो वो कोई एक फॉर्म आ रहा है, मतलब इसमें कम इसका आगे नाम तुम्हारा आरडी चेकिंग वगैरह का कोई फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। और मुझे लगता है कि 1 वीक के समथिंग आपके पास कॉल आ जाएगी, कॉल आने के बाद आपको बुला लिया जाएगा और आपकी कॉपी को चेक करा दिया जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे कॉपी चेक करानी है अपनी, वो बच्चे अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। ओके बच्चों, और अब जल्दी में CBSE का रिजल्ट आने वाला है। CBSE वाले बच्चे भी थोड़ा सा अपने जब तैयारी में लग रहे हो, तैयारी में तो आप लोग लगे रहिएगा। ओके, और जिसको लग रहा है कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, तो रिजल्ट तो ठीक ही रहेगा भाई। देखो जैसे आप लिख के आए हैं, मिलेगा तो आपको उतना ही, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। और इस बार यूपी बोर्ड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं है बेटा, सभी बच्चे पास हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि दो चार बच्चे फेल हुए हैं तो मैं ही चाहता हूँ कि उनको फेल वाले बच्चे परेशान ना रहें। और फेल यदि दो सब्जेक्टों में हुए हैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा बेटा, अभी भी आपके पास टाइम है, मजबूती से अभी भी मेहनत कर लीजिएगा। वन मंथ बहुत होता है बेटा तैयारी करने के लिए, ठीक है। नहीं 23 मार्क्स तो लेके आने हैं बेटा, 23 मार्क्स तो लेके आने हैं 70 में से,
ओके तो इसलिए थोड़ा सा आप देखें, मेहनत करें अच्छी तरह से, और जैसे भी नोटिफिकेशन आती रहेगी मैं बेटा यूट्यूब पे डालता रहूँगा, आप कनेक्टिविटी में हमारी रहिएगा आप। ओके थैंक यू बच्चों।